बताना है कि ये बीच में ये और ये इक्वल एंगल बना रहा है, मीन्स हमारा ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये क्या हमारा इक्वल है, ठीक है। और हमें गिवन क्या क्या है, देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 को हम क्या नाम दे सकते हैं, एंगल 1 को हम ये भी नाम दे सकते हैं ए ओ बी, और इसका क्या नाम दे सकते हैं सी ओ डी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका नाम दिया ए ओ बी, इसका नाम दिया सी ओ डी, ठीक है। तो ए बी हमें देखिए गिवन क्या क्या है, गिवन हमें है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, ओ बी ओ सी ओ डी, ये सारे क्या है हमारा रेडियस। तो हमने प्रूफ करने की कोशिश करी, देखिए हम इन दोनों ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी में और ट्रायंगल सी ओ डी में, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी इस वाले में और ट्रायंगल सी ओ डी इसमें। तो ए ओ बी और सी ओ डी में हमें क्या मिलता है, देखो ए ओ हमारा सी ओ के इक्वल है, ए ओ हमारा सी ओ के इक्वल रेडियस है, और फिर हमारा ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है, ये भी रेडियस है। अब ए बी और सी डी हमें क्या बोला है, इक्वल गिवन ही है। तो भाई देखो हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये, तो इसके तीनों साइड इक्वल है, ये भी ये भी ये भी, इसके हमारे तीनों साइड इक्वल हैं। जब तीनों साइड इक्वल होती हैं तो हमारे ये दो ट्रायंगल क्या होगा, ए ओ बी और सी ओ डी, भाई हमारा ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी, ये क्या होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, सी पी सी टी से। और सी पी सी टी आप लोग पता है किसको बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मीन्स ए ओ बी हमारा किसके इक्वल हो गया, सी ओ डी की। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, और थ्योरम ना भी पूछी जाए डायरेक्टली तो पूरे चैप्टर में हर क्वेश्चन में इसका यूज होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में हम इसका यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो देखते रहिए, सेकेंड थ्योरम बहुत जल्द लेके आता हूँ मैं, बस कुछ ही देर इंतजार कीजिए, दूसरे वीडियो में अपनी और थ्योरम्स पढ़ते हैं। थैंक यू।